हेलो टीचर अक्सर आप देखते होंगे ऐसे वीडियो टीचर्स के कि वो मैप के एनिमेशन बता रहे हैं स्टडी आई के अंकित सर काफी बताते हैं ध्राडी की वीडियो देखते हो जहाँ पे वो मैप को किस तरीके से हाईलाइट करते हैं सेम चीज आप भी कर सकते हो देखो बेसिकली ये होता तो आफ्टर इफेक्ट में है बट अगर आपको चाहिए कि कुछ कुछ हाईलाइट करना है या कुछ अपने प्रेजेंटेशन को और बेटर बनाना है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये चीज आप कर सकते हो पावर पॉइंट में इस वीडियो को आगे ले जाऊ उससे पहले आपको बता दू की मैंने एग्जेक्टली बनाया क्या है तो सिंपली मैंने कहानी रची और इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है मैंने मध्य प्रदेश के बारे में बात करी पन्ना को हाईलाइट करा फिर उसके साथ में एक और जगह हाईलाइट करी और बताया कि ये दोनों जगह क्यों फेमस है ऐसे एड ऑन करके और इसके बाद में मैं बताना चाह कि इन दोनों जो जगह आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में एक हाईवे बनने वाला है और मैंने इसे इस तरीके से हाईलाइट करा और इस तरीके से मैंने एक मध्य प्रदेश से रिलेटेड कहानी बना दी और ये सब कुछ सब मैंने जो एनिमेशन आप देख रहे थे मैं इस की से ऐसे आगे पीछे कर रहा था और मेरी स्क्रीन में इस तरीके से मूवमेंट हो रहा था तो यही बताना चाहता हूं एनिमेशन का इतना पार्ट आप रिकॉर्ड करके पावर पॉइंट से बना लीजिए और अपने में डाल या फिर लाइव पढ़ाते पढ़ाते पैनल पे पढ़ाने टाइम या फिर ऑनलाइन नॉर्मली कंप्यूटर से पढ़ाते टाइम आप इस तरीके के एनिमेशन को दिखाइए मजा आ जाएगा स्टूडेंट को पढ़ने में भी और आपको पढ़ाने में भी तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं तो सबसे पहले कर लीजिए पावर पॉइंट को ओपन और यहां पर एक न्यू प्रोजेक्ट ले लीजिए एंड स्लाइड ओपन हो गई सारे एलिमेंट्स को कर देते हैं डिलीट और डिलीट करने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है मैप के इसमें आपको अच्छा बैकग्राउंड की जरूरत होगी तो आप क्या कर सकते हैं तो आप अच्छा सा एक बैकग्राउंड सर्च कर लीजिए जैसे मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है तो मैं ये बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ अपने अपने बैकग्राउंड सेक्शन में तो फॉर्मेट बैकग्राउंड में मैं जाऊँगा और यहाँ पे पिक्चर्स पे जाऊँगा और पिक्चर्स पे जाने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करूँगा और मैंने मेरे लोकल उसमें ही डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं वहाँ से ओपन कर लेता हूँ तो देखिए अब ये बैकग्राउंड है एंड अब इस बैकग्राउंड को हम क्या करेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड आपका डार्क नहीं होना चाहिए तो इसलिए कोशिश करिएगा इस बैकग्राउंड को जितना ज़्यादा आप कम करें मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपरली यहाँ पे ब्लर करने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा कट अगर करना चाहूँ तो मैं इमेज को कट भी कर लेता हूँ अप्लाई टू ऑल कर दूंगा एंड इसको हम कर देते हैं क्लोज अब बैकग्राउंड तो आ गया अब हमें चाहिए मैप तो ये मैप कैसा गूगल से आगे इमेज डाउनलोड कर लेना नहीं ये गलती नहीं करना है आपको जरूरत पड़ेगी गूगल पर जाकर इस वेबसाइट पे जाने की जो कि है पेंट मैप डॉट कॉम इसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अब आपको यहां पर देखिएगा आपको हर टाइप के मैप यहां पे मिल जाएंगे जिस देश का चाहिए जिस जगह का चाहिए जिस सिटी का चाहिए बट अभी मैं मध्य प्रदेश का ही मैप लेता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहां पे देखिए क्रिएट मैप चार्ट में आपको कंट्री मैप सिटी रीजन सब कुछ मिल जाता है तो मैं सिटी वाला मैप उठा लेता हूँ यहां पर मुझे स्क्रॉल डाउन करना है और मुझे इंडिया में जाना है इंडिया में मुझे किस सिटी का मैप लेना है जैसे मुझे मध्य प्रदेश का मैप लेना है तो मेरा यहाँ पे मैप आ जाएगा अब देखिए रंग बिरंगा मैप दिख रहा है यहां से मेरे को रंग बिरंगा नहीं चाहिए मुझे सिंपल मैप चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक करूंगा तो मेरा मैप मुझे यहाँ पे पूरा इस

अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि बहुत सारे टीचर्स गलतियां करते हैं स्टूडियो सेटअप लेने में तो अगर आपको डिजिटल बोर्ड कैमरा पैनल लाइटिंग कोई भी स्टूडियो सेटअप कराना है भारत की नंबर वन ब्रांड स्पॉट से कराइए हमारी टीम बेस्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ में आपकी अपनी लोकेशन पर आकर स्टूडियो सेटअप करती है और स्टूडियो सेटअप के पीछे जो बैकबोन है वो मैं हूँ हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हूँ तो इसीलिए कहता हूँ कि जब भी स्टूडियो सेटअप कराना है एजू स्कॉट से कराना है ज्यादा समय नहीं लूंगा जल्दी से हम लोग हमारी एसवीजी डाउनलोड हो चुकी है अब जो हमको ओपन करना है इंसर्ट में जाके पिक्चर्स में दिस डिवाइस करेंगे तो हमको ये वाली एस होना है देखिए बैकग्राउंड फ्री आ गई है देखिए अभी तो ये आपको सिंगल इमेज लग रही है बट अगर मैं राइट क्लिक करूँ राइट क्लिक करने के बाद ग्रुप पर जाऊँ और इसे अनग्रुप कर दूँ और इसको यस yes कर दू तो आप देखोगे ये छोटे छोटे टुकड़ों में बैठ गई है मतलब हर एक शहर ये भिंड को उठा के अलग करा जा सकता है तो मतलब एस फाइल कॉम्बिनेशन ऑफ छोटी छोटी इमेजेस है तो मैं कुछ इस पार्ट को डिलीट कर देता हूं अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो मुझे लगता है हर कोई करना चाहता है जिससे अगर मैं बात कर रहे हो पन्ना और बालाघाट की बात कर रहे हो तो आप चाहो कि यार पन्ना और बालाघाट पे क्लिक करते से ही हाईलाइट हो जाए तो क्या करना है तो आपको क्या करना है देखिए यहां पर आप एक चीज समझेंगे कि ये इमेज और ये टेक्स्ट दोनों एक पार्ट में है तो आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल प्रेस करना है इस पर भी क्लिक कर दीजिए और, इस, और इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल जी कर लीजिए तो दोनों ग्रुप बन जाएगा अभी सेम बालाघाट के लिए भी आप ये कर लीजिए कंट्रोल प्रेस करिए और बालाघाट टेक्स पे और उस आइकन पे करके कंट्रोल जी कर लीजिए मतलब हम दोनों ने इन दोनों को चिपका दिया है ग्रुप करना मतलब सिंपल सी भाषा में यही है और क्लियर करता हूं जैसे अभी मैं रीवा को उठा रहा हूं तो रीवा लिखा हुआ नहीं आ रहा है बट ग्रुप करे हुए एलिमेंट को उठा रहा हूं सतना को तो लिखा हुआ सतना साथ में आ रहा है अब मैं चाहता हूँ एक क्लिक करू या तो सतना हाईलाइट हो जाए दूसरे क्लिक पे सीनिया हाईलाइट हो जाए तो मैंने आपको ये ग्रुप और अनग्रुप करने का कॉन्सेप्ट बता दिया है ये क्यों बताया है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया कि कल को आपको किसी को उठा के ऐसे साइड में रखना हो तो ये प्रॉब्लम इसमें आती है हालांकि एनिमेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है तो अब

तो देखिए अब क्या हो रहा है एनिमेशन पेन पे जाएंगे तो पहला, जब पहला जो हम क्लिक करेंगे, ये आपने ये एनिमेशन बना दिया अब ये चल के सारा एक बार मैं आपको फुल स्क्रीन पे चला के भी दिखा देता हूं तो मैंने सिर्फ एक बटन दबाया तो रीवा हाईलाइट हो गया दूसरे बटन में बैतुल हाईलाइट हो गया तो देखो रीवा और बैतुल के बीच में हमने कलर एनिमेशन दे दिया बट अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही हम बात करें उनके दोनों के बीच में रास्ते के बारे में तो इसको थोड़ा सा करके एक अच्छा सा ट्रांजिशन दें तो ट्रांजिशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके एक कर लेना है डुप्लीकेट स्लाइड और डुप्लीकेट स्लाइड में आपको जैसे हमने रीवा में जो कलर दिया था एनिमेशन के टाइम पे राइट क्लिक करिएगा और इसमें फील कर दीजिएगा डार्क वाला कलर एंड सेम बेतुल में हमें हरा कलर फिल करना था तो यहाँ पे हरा कलर फिल कर दीजिएगा ये ये मैं क्यों कर 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 रहा हूं? उसका आपको बताता हूं। तो दो कलर हमने डाल दिए। अब कंट्रोल करके हम लोग कर लेंगे लेंगे। फिर से कर लेंगे। क्योंकि जो ट्रांजिशन जो है वो अनग्रुप कंटेंट पे आप नहीं दे सकते हो तो अब हमें क्या करना है हमें फिर से राइट क्लिक करना है डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है और इस डुप्लीकेट स्लाइड को कर लेना है पकड़कर ऐसा स्ट्रेच और एंड इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं साइड में अब हम लोग जाएंगे ट्रांजिशन पेन पे और मॉर्फ कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बड़ा होता नजर आएगा और मैं अब आपको फुल स्क्रीन पे ले जाके दिखाता होगी ये कैसे वर्क करेगा तो पहले हमने ये दिखाया फिर सब रीवा को हाईलाइट किया बेतुल को हाईलाइट किया और उसके बाद में फिर हमने क्या किया हमने यहाँ पर इसको जूम करवाया और जूम करने के बाद में अब हमें बनाना है दोनों के बीच में पाथ अब पाथ बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक रोड मैप टाइप के लोकेशन वाले जो आते हैं ना रेड कलर वाले वो ऐड करते हैं तो देखो इंसर्ट में इंसर्ट में 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 जाइएगा और जाने के बाद में आपको आइकन पे क्लिक करना है ये खुद की लाइब्रेरी होती है और यहाँ पे सर्च कर लीजिए लोकेशन जो भी आपको जिस टाइप के आइकन चाहिए आपको आइकन मिल जाएंगे लोकेशन आइकन मिल गया इंसर्ट करिएगा तो लोकेशन आपके सामने आ गया अब हमें क्या करना है लोकेशन का जो कलर है वही कलर लेते हैं तो इसको हम ले लेते हैं रेड कलर में इसकी आउटलाइन ले लेते हैं व्हाइट कलर में और इसका कलर कर देते हैं रेड और इसको कर लेते थोड़ा सा छोटा राइट right? और सेम टू सेम कंट्रोल सी कंट्रोल वी एक लगा दो हम बेतुल में और एक लगा दो रीवा में तो अब ये दो तो आ गए राइट right? अब इसके बाद में हमको इन दोनों के बीच में बनानी है लाइन देखिए इंसर्ट में जाना है और यहां पर शेप्स में जाके आपको ये याला कर्व वाला ऑप्शन लेना है अब देखिए राइट क्लिक करिए पहले यहाँ पर और उसके बाद में फिर बीच में कहीं सेंटर में और फिर ऐसा करके बेतुल से कनेक्ट कर दीजिए और डबल क्लिक कर लीजिए अब आप इस जो लाइन आपने बनाई है इस लाइन को उठा लीजिए और इस लाइन को उठा के यहाँ पे कर लीजिए और राइट क्लिक करिए और इसका जो आउटलाइन है वो मोटी कर लीजिए जैसे मुझे ऐसी लगती है कि इसका वेट हम लोग कुछ अभी हम पहले ये मोटा सा ले लेते हैं राइट इसका जो आउटलाइन है वो ब्लैक कर लेते हैं एंड इसको उठा के हम ऐसे इस दो दो लोकेशन पे एक यहां से एंड इसको उठा के हम लोग यहाँ पे ऐसे रख देते अब देखिए ये मैंने किया है अब इसी को मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देता हूँ और इसको ले जाके यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ राइट क्लिक करने के बाद में इस आउटलाइन को हम कर देते हैं पतली थोड़ी सी पतली कर देते इसको हाँ इतनी पतली कर लेते हैं और इसी के साथ साथ आउटलाइन में हमको कुछ स्टाइल भी मिलती है जैसे ये डॉटेड वाली स्टाइल हम ले लेते हैं ये डॉटेड ले, ले लेते हैं और इसका कलर कर देते हैं वाइट देखिए दोनों लाइन को मैं एक बार अरेंज कर लेता हूँ ऐसे इस ये भारी बाहर की तरफ ही अरेंज कर लेता हूँ ताकि ये आराम से मेरी सेट हो जाए ओके तो देखिए ये दोनों जो लाइन है इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ग्रुप कर लेंगे और ग्रुप करने के बाद आपने ये बता दिया अला अब मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ एंड यहाँ उठाने रखने रखने के बाद में मैं इन दोनों को अरेंज कर लेता हूँ सारी चीज़ों को और अब मुझे स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले किसे लाना है तो एनिमेशन में मुझे सबसे पहले इस मैप वाले आइकन को लेके आना है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और एनिमेशन पेन में जाऊँगा और अपेयरेंस वाला एनिमेशन ऐड कर लूंगा इसके बाद में अब ये जो लाइन है मेरी स्टेप से आनी चाहिए तो मैं इस पर एनिमेशन ऐड करूँगा वाइप एनिमेशन अभी ये इस डायरेक्शन से आ रहा है मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन से लेके आता हूँ थोड़ा सा स्लो लेके आता हूं तो यहाँ पे इसका टाइम बढ़ा देंगे तो स्लो आना स्टार्ट हो जाएगा और ये ऑन क्लिक नहीं आना चाहिए विद प्रीवियस आना चाहिए मतलब पहला ये आएगा फिर ये आएगा और उसके बाद में ये जो सेकंड वाला है इसकी अपेयरेंस भी कैसे आएगी तो इसकी अपेयरेंस ऐसी अपेयरेंस पे क्लिक करके इस पर एनिमेशन एड होगा और इसका जो बिहेवियर होगा वो होगा आफ्टर प्रीवियस और इस वाली लाइन का विद प्रीवियस नहीं होगा सॉरी इसका भी आफ्टर प्रीवियस होगा तो बेसिकली अब हमारा एनिमेशन कैसे वर्क करेगा तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये जैसे ही हमारे इसमें पहुंचा हमारे सबसे पहले लोकेशन आया और इस तरीके से ये एनिमेशन बन गया तो मैं फिर से आपको दिखाता हूं कि जैसे पहले एक लोकेशन और फिर दोनों एनिमेशन आ गए अब ये हो गया आपका एनिमेशन ऐड करने का तरीका मैप एनिमेशन वाला काम तो हो गया ऐसे होता है और इसी तरीके से आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे चीजें और आती जाएगी बट अगर आप चाहते हो कि भिंड पे क्लिक करें और भिंड पे क्लिक करने के बाद में भिंड साइड में आ जाए और भिंड कलरफुल हो जाए तो आप क्या करो भिंड किया भिंड के टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और किसको कर लिया कंट्रोल जी अब उसके बाद में यहां पर आपने क्लिक किया एड एनिमेशन पे क्लिक किया और एड एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद में यहां पर आप कर दो इसे लाइन एनिमेशन और लाइन एनिमेशन में अब ये किस साइड पे आएगा ये राइट टू लेफ्ट जाएगा राइट right? अब आप इस पे जब भी क्लिक करेंगे तो इसको आप अगर बढ़ाना चाहते हो तो इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो कि इस टाइप से एक्सटेंड हो जाए तो इस तरीके से आप किसी भी कंट्री किसी भी सिटी किसी भी शहर का मैप डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद में पावर पॉइंट में कलर चेंज करके ऐसे कुछ जुगाड़ लगा लगा के आप बहुत अच्छे से एनिमेशन बना सकते हैं पावर पॉइंट आपको उसके लिए सीखना पड़ेगी अगर आप ये पावर पॉइंट सीख लेते तो ये मेरी गारंटी है कि आप जैसे आफ्टर इफेक्ट प्रीमियम में बड़े बड़े टीचर्स को इस टाइप के एनिमेशन में देखते हैं वैसा एनिमेशन आप खुद कर सकते हैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा इस मेथड को आप अपने वीडियो में यूज करेंगे और अपनी टीचिंग को और इन्हांस करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग